हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल गाइस आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट पार्ट फाइव अभी तक हम चार मॉक टेस्ट कर चुके हैं जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट थे हमारे और इसमें आपके 120 ट्वेंटी क्वेश्चन रहेंगे 120 ट्वेंटी मार्क्स के अगर आप 85 प्लस स्कोर कर रहे हैं आप सेफ जोन में हैं और ये बिल्कुल उसी पैटर्न पर मॉक टेस्ट बनाया गया है जो आपका जिसके एस एस में पूछा जाएगा जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से हमने मॉक टेस्ट बनाया है विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है करंट अफेयर से इंडियाज़ लार्जेस्ट ई चार्जिंग स्टेशन हैज़ बिन इनाग्रेटेड एट विच प्लेस इंडिया का जो लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है वो कौन सी प्लेस पर अभी इनाग्रेट किया गया मुंबई गांधीनगर हैदराबाद गुरुग्राम तो इसका जो सही आंसर है वो है गुरुग्राम गुरुग्राम में अभी भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इनाग्रेट किया गया जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है तो सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी रिलीज की द कॉमिक बुक जिसका टाइटल था इंडियाज़ विमेन अनसंग हीरोज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है किस मिनिस्ट्री ने प्रेजेंट किया अपना टैबल्यू एट द रिपब्लिक डे परेड 2022 इस साल की परेड में और ये फर्स्ट टाइम है जब किसी मिनिस्ट्री ने यहाँ पर अपना टैबल्यू प्रेजेंट किया है तो वो किस मिनिस्ट्री का था सिविल एविएशन वुमेन एंड चाइल्ड जल शक्ति या फिर हेल्थ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका सही आंसर है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है यू एन सी टी ए डी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है वाशिंगटन जनेवा पेरिस या ब्रुसेल्स इसका सही आंसर है जनेवा स्विट्जरलैंड में सो so, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कौन सी अफ्रीकन कंट्री ने अभी रिसेंटली पोलियो आउटब्रेक डिक्लेयर किया नाइजीरिया साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या फिर मालावी द करेक्ट आंसर इज़ मालावी मालावी अफ्रीकन कंट्री जिसने पोलियो आउटब्रेक को वहाँ पर डिक्लेयर किया सो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है अभी जो पाकिस्तान का सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है हिलाल ए पाकिस्तान ये किसको दिया गया 2022 में शी जिंगपिंग को शी जिंगपिंग को एलॉन मस्क को बिल गेट को या मलाला यूसुफ जाई को सो so इसका जो सही आंसर है वो है बिल गेट्स को अभी मिला माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर तो सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कौन बन गया है सेकंड इंडियन जिसने जीता वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड एंड ये सेकंड इंडियन है मनप्रीत सिंह नीरज चोपड़ा पीआर आर श्रीजीश या फिर पीवी सिंधु द करेक्ट आंसर इज पीआर आर श्रीजीश सो सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा चलिए जी अब हमारे पास हिस्ट्री से एक क्वेश्चन है द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज सेवन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय रिवॉल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इनमें से किस पर्सनैलिटी ने कहा था एस एन सेन आर सी मजूंगदार बी जी तिलक एंड वी डी सावरकर द करेक्ट आंसर इज वी डी सावरकर विनायक दाबोदर सावरकर सो so, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जो तो टाइटल था वॉइस रोए का वो ऐड किया गया गवर्नर जनरल के ऑफिस के साथ फर्स्ट टाइम कब 1848 एडी में 1856 एडी में 1858 एडी में 1862 एडी में द करेक्ट आंसर इज़ 1858 एडी जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद ये जो आ, ये था टाइटल था ये चेंज हुआ था ठीक है So, हमारे पास C, सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास जो तो क्वेश्चन है वो है द आर। उपानिश क्या है या प्रेयर्स टू गॉड तो हमें पता है द उपानिश आर द सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी सो यहाँ पर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है तो आप इसको याद रख सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो तो क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सी डेट पर जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो हुई थी नवंबर सेवनटीन नाइनटीन थर्टी टू नवंबर ट्वेल्व नाइनटीन थर्टी 7, सेवन नाइनटीन थर्टी वन सेवन नाइनटीन थर्टी टू द करेक्ट आंसर इज सितंबर 7 1931 अगर आपको 31 भी याद है तो आपका सही आंसर हो जाता तो सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सा इंडियाज फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी थी इनमें से कौन सी इंडिया की पहली ऑयल रिफाइनरी थी दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुवाहाटी रिफाइनरी विशाखापट्टनम रिफाइनरी डिगबोई रिफाइनरी या फिर बराउनी रिफाइनरी तो इसका जो सही आंसर है वो है दिग्बोई असम रिफ़ाइनरी तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पहले भी एग्जाम में आया हुआ है सो so, अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्वराज पार्टी इसमें से किसका आउटकम था इनमें से कौन से इंसिडेंट्स के बाद स्वराज पार्टी को बनाया गया चौरी चौरा क्विट इंडिया मूवमेंट अराइवल ऑफ़ साइमन कमीशन या बरदोली सत्याग्रह तो ये आया था चौरा चौरी जो चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद सो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को किसने फाउंड किया था गोपाल कृष्ण गोखले दादाबाई नारोजी राजा राम मोहन रॉय महात्मा गांधी एंड द करेक्ट द करेक्ट आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले जो पॉलिटिकल गुरु भी हैं गांधी जी के वो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा अगला हमारे पास क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रीज़न था कि फराजी फराइजी मूवमेंट का इरप्शन हुआ अटैक्स ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज ऑन इस्लाम जो, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने अटैक किया था इस्लाम पर या फिर ऑपरेशन कॉज बाय हिंदू मनी लेंडर्स जो ऑपरेस कर रहे थे हिंदू मनी लेंडर्स या फिर जो कंपनी की ऑपरेसिव पॉलिसी थी टर्ड्स तो द मुस्लिम टेनेंट्स या फिर नन ऑफ द अबव सो so इसका सही आंसर है जो ऑपरेसिव पॉलिसी थी कंपनी की टूवर्ड्स तो मुस्लिम टेनेंट्स सो सी इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था वो कहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था वेयर वॉज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट फर्स्ट फर्स्ट अर्थ समिट रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रुण्ड ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का तो बी इज द करेक्ट आंसर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है खारदुंगला माउंटेन पास इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी पर लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जम्मू कश्मीर लद्दाख या फिर सिक्किम एंड द करेक्ट आंसर इज सी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे ऑफ इंडिया जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया नन ऑफ देम द करेक्ट आंसर इज सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा गया है अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है पोलावरम प्रोजेक्ट इनमें से कौन सी स्टेट में है पोलावरम प्रोजेक्ट इनमें से कौन सी स्टेट में लोकेटेड है मध्य प्रदेश गुजरात आंध्र प्रदेश या कर्नाटका द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश सो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिरहिंद कनाल इनमें से कौन सी रिवर पर लोकेटेड है सिरहिंद कनाल सतलुज रावी ब्यास नन ऑफ द अब एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सतलुज रिवर तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा चलिए अगला हमारे पास है टाइटन जो लार्जेस्ट मून है ये इनमें से कौन से प्लानट का है टाइटन यूरेनस का जुपिटर का सैटन का या अर्थ का तो इसका करेक्ट आंसर है सैटन सैटन की अभी सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स भी हैं तो टाइटन जो है ये सैटन का ही मून है और ठीक है चलो अर्थ का कितने मून है अर्थ का सिर्फ एक ही मून है तो सी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हॉर्स लैटीट्यूड्स आर हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल काम बेल्ट विच मेक एन एरिया प्रेसिपिटेशन एंड हैजेबल विंड काम दीज लैटिट्यूड्स लाइक बिटवीन विच ऑफ द फॉलोविंग अभी देखिए आपको घुमा फिर आकर क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन आपने तो डरना नहीं है क्वेश्चन को क्वेश्चन की लेंथ देख कर या फिर कितने इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कितने हैवी हैवी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप इसमें सिंपली क्या पूछा है हॉर्स लैटीट्यूड इनमें से कौन से आ, लेटिट्यूड्स पर लाई करता है ठीक है बस आगे वाला जो है ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बस हॉर्स लैटिट्यूड कहाँ पर लाई करता है बिटवीन 20 टू 25 डिग्री बोथ नॉर्थ एंड साउथ 30 टू 35 डिग्री 25 टू 30 डिग्री 30 टू 35 डिग्री जोग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर लगा देंगे बिटवीन थर्टी एंड थर्टी फाइव डिग्री बोथ नॉर्थ एंड साउथ ये लोकेट करता है सो so, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी अगला हमारे पास क्वेश्चन है आपने बताना है माउंटेन रेंज का नाम जो सेंट्रल एशिया में पड़ती है जैसे कि रशिया चाइना मंगोलिया और कजाकिस्तान सबको को मिला के एक माउंटेन रेंज बनती है उसका नाम क्या है अल्ताई माउंटेंस सयान माउंटेंस यूराल माउंटेन्स बाइकल माउंटेंस एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अल्ताई माउंटेन्स अल्ताई माउंटेस सो ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड जोग्राफी से क्वेश्चन लिया गया था वट डाज द कोविड नाइन वट डज द नाइनटीन इन कोविड नाइनटीन रेफर्स टू ये अभी रिसेंटली सब ऑडिटर के एग्जाम में असिस्टेंट कंपाइलर के एग्जाम आई थिंक पूछा था, डज़ द सिम्ट दिस कोविड डिजीज देर वेरियंट्स फॉर दिस वायरस एंड द करेक्ट आंसर हमें पता है क्योंकि ये जो वायरस है ये जो डिजीज है ये हमने आइडेंटिफाई की थी 2019 में सो so ए इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। तो जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड है जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 के कौन सेक्शन के अंदर बनाया जाता है सेक्शन ट्वेंटी सेक्शन थर्टी सेक्शन फोर्टी सेक्शन फाइव तो द करेक्ट आंसर इज सेक्शन फोर्टी फाइव सो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास है इनमें से कौन सी जम्मू कश्मीर की रिवर है जो इंडस की मेन ट्रिब्यूटरी है झीलम अलगनंदा यमुना लीडर हम इनमें से जो जम्मू कश्मीर में बहती है वो झीलम है तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा अगला हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट चाइनीज जिसने कश्मीर में विजिट किया आइसियांग मेगाथनीज एंड फाहिंग द करेक्ट आंसर इज ह्यून सैंग सो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा रिसेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उठाए हैं मैंने जम्मू कश्मीर के आपने बताना है इनमें से कौन सा नेशनल हाईवे है जो जम्मू कश्मीर से पास होता है नेशनल हाईवे 202, 501, 703, 102. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 501 सो so, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन हमारे जीके से है कौन सा फेस्टिवल को हम मकर संक्रांति भी बोलते हैं जो जनवरी के मंथ में जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है बाहु मेला चेतरा चौदश बैसाखी या फिर लोरी हमें पता है लोरी को हम सेलिब्रेट करते हैं जनवरी में और उसको मकर संक्रांति भी कहते हैं सो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा द लास्ट क्वेश्चन ऑफ जम्मू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ जम्मू कश्मीर सेक्शन का एंड ऑल्सो द जी के सेक्शन द फर्स्ट विलेज पंचायत रेगुलेशन एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी फाइव वॉज अमेंडेड इन विच ईयर जो पहला विलेज पंचायत रेगुलेशन एक्ट था 1935 का उसको कब अमेंड किया गया 1941, 1952, 1940, 1949 द करेक्ट आंसर इज 1941 तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताना 30 में से आपके कितना कितने मार्क्स रहे हैं जीके के सेक्शन में अब हम अकाउंटिंग का सेक्शन देखते हैं सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है आप लोग कह रहे थे कि मैं बहुत इजी क्वेश्चन लेके आ रही हूँ गाइस बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे आज का जो मैंने अकाउंटिंग का सेक्शन लिया है अकाउंटेंसी बुक कीपिंग का ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा ट्राई करना कि आप अच्छे से इनके आंसर्स दे पाए पहला हमारे पास क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर बैलेंस शीट अकाउंट्स इनमें से कौन सा सही है इंक्रीज इन एसेट लायबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी अमाउंट्स आर रिकॉर्डेड बाय डेबिट्स डिक्रीज इन एसेट्स

थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर अकाउंट रिसिवेबल फ्रॉम द डेलमार रोटरी बीस जनवरी को जो रोटरी है उन्होंने पार्शल पेमेंट किया इक्कीस सौ डॉलर का टू सनसेट टूर्स जनरल एंट्री जो बीस जनवरी की बनाई जाएगी वो कैसे ट्रांजेक्शन की जाएगी बाय द सनसेट टूर्स डेबिट टू द कैश रिसिव्ड अकाउंट ऑफ इक्कीस सौ डॉलर क्रेडिट टू दाउंट रिसिवेबल अकाउंट ऑफ इक्कीस सौ डॉलर अ डेबिट टू द कैश अकाउंट ऑफ फोर्टीन हंड्रेड डॉलर अ डेबिट टू दिसीवेबल अकाउंट ऑफ फोर्टीन हंड्रेड डॉलर एंड द करेक्ट आंसर इज अ क्रेडिट टू द अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट ऑफ इक्कीस डॉलर सो बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड बाय अ ट्रायल बैलेंस वी आर डेबिट टोटल ऑफ डेबिट आर इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट्स तो हमने ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन लिया है प्रूफ दैट नो ट्रांजेक्शन वॉज कम्पलीटली ओमिटेड फ्रॉम द लेजर ड्यूरिंग द पोस्टिंग प्रोसेस प्रूफ दैट द करेक्ट डेबिट आर क्रेडिट बैलेंस हैज बिन कम्प्यूटेड फॉर ईच अकाउंट प्रूफ दट द लेजर इज इन बैलेंस प्रूफ दैट ट्रांजेक्शन द प्रॉपर अकाउंट्स एंड द करेक्ट आंसर इज सी प्रूफ दैट द लेजर इज इन बैलेंस सो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा अगला हमारे पास क्वेश्चन है विज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स रिलेटिंग टू द रिकॉर्डिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिज नॉमिनल अकाउंट है ठीक है तो ये सभी आपके पास दिए गए हैं आप इनको खुद पॉज करके रीड कीजिएगा द करेक्ट आंसर इज द इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिज ऑन ऑनर्स इक्विटी तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एडजस्टिंग एंट्रीज का पर्पस क्या होता है आपने ये अच्छे से रीड करना है इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ अप्लाई द रियलाइजेशन प्रिंसिपल एंड द मैचिंग प्रिंसिपल टू द ट्रांजेक्शन दैट इफेक्ट टू आर मोर अकाउंटिंग पीरियड्स पर्पज ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज अप्लाई द रियलाइजेशन प्रिंसिपल एंड द मैचिंग प्रिंसिपल टू ट्रांजेक्शन दैट इफेक्ट टू आर मोर अकाउंटिंग पीरियड्स सो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ़ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज जनरली प्रिपेयर्ड फर्स्ट इनमें से कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली पहले बनाई जाती है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड द करेक्ट आंसर इज इनकम स्टेटमेंट सो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनमें से कौन सा अकाउंट वुड नेवर बी रिपोर्टेड इन द इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस की तरह हम उसको शो नहीं करते हैं इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनकम टैक्स एक्सपेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस या डिविडेंट एक्सपेंस द करेक्ट आंसर इज डिडेंट एक्सपेंस तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इनमें से कौन सी जर्नल एंट्री है जो रिक्वायर्ड होती है इनकम समरी अकाउंट को क्लोज करने के लिए ऑफ अ प्रॉफिटेबल कंपनी डेबिट इनकम समरी क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट इनकम समरी डेबिट रिटेन्ड अर्निंग डेबिट इनकम समरी क्रेडिट कैपिटल स्टॉक क्रेडिट इनकम समरी डेबिट कैपिटल स्टॉक एंड द करेक्ट आंसर इज डेबिट इनकम समरी क्रेडिट रिटेन अर्निंग सो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरी इजी क्वेश्चन लेंडर्स मैनेजर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयर्स हमें पता है जो लेंडर्स होते हैं वो आउटसाइडर होते हैं सो so ए हमारा सही आंसर हो जाएगा टेंथ क्वेश्चन हमारे पास अकाउंटिंग सेक्शन से है इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रेमिस रुपीज टेन थाउजेंड पेड कमीशन फॉर परचेज ऑफ लॉ मटेरियल रुपीज टू था टू हंड्रेड परचेज गुड्स एंड क्रेडिट रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड फॉर रीसेल एंड रेजिग्नेशन ऑफ मैनेजर टू मिस्टर रोहन तो इट इज़ वेरी वेरी इजी तो डी वाला जो है इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट अ ट्रांजेक्शन जो बिजनेस और मनी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस और मनी से रिलेटेड नहीं होगा उसको हम इसमें नहीं रिकॉर्ड करेंगे अभी बिजनेस से रिलेटेड तो है कि रेजिग्नेशन दे दिया मैनेजर ने लेकिन मनी टर्म्स में कहाँ इसको मेजर कर पाएंगे तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा अगला हमारे पास क्वेश्चन है जो भी ट्रांजेक्शन्स को हम लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं उनको कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जो हम लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं जर्नल वाउचर सब्सिडरी बुक्स बोथ ए एन सी द तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एन सी जर्नल और जर्नल का ही पार्ट सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स होती हैं कैश बुक्स होती हैं परचेज बुक्स होती हैं, सेल्स बुक होती हैं, परचेज रिटर्न बुक्स होती हैं, सेल्स रिटर्न बुक होती है और जो इन सब में रिकॉर्ड नहीं होता है जर्नल प्रॉपर तो ये सभी सब सब्सिडरी बुक्स है सो ए एन सी इज अ करेक्ट आंसर अगला हमारे पास क्वेश्चन है पेटी कैश बुक हैज अ बैलेंस ऑफ रूपीज फाइव हंड्रेड एंड दिस रेप्रेजेंट जो भी बैलेंस बच जाता है पेटी कैश बुक में वो क्या होता है वो प्रॉफिट होता है वो एसेट होता है लाइबिलिटी या लॉस वो होता है एसेट तो हमारे पास बी सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है परचेज बुक किसका पार्ट है अभी अभी हमने डिस्कस किया जनरल का लेजर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट का अभी मैंने आपको बताया जनरल का पार्ट होता है तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जो आप वेजेस पेड करते हो ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी रुपीज फाइव ये डेबिट होती है वेज अकाउंट में ये कौन सा एरर है अगर देखो अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी और अगर आपने उसको इंस्टॉल करने के लिए पाँच सौ खर्चा किया तो वो डेबिट अकाउंट में आपके जो मैनेजर है उन्होंने डेबिट कर दिया वेज अकाउंट में उन्होंने डेबिट कर दिया तो ये कौन सा एरर है ओमिशन कमीशन प्रिंसिपल या कॉम्पनसेटिंग ये एरर है प्रिंसिपल का प्रिंसिपल <coughs> एरर है क्यों क्योंकि जो भी वेजेस हम पे करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी में वो मशीनरी अकाउंट में डेबिट होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ठीक है कितना रुपीज़ फाइव हंड्रेड और यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे इन्होंने मशीनरी की जगह क्या डेबिट कर दिया बेजेज अकाउंट ठीक है तो ये गलत है मशीनरी अकाउंट में ही वो जो चार्जेस हैं वो लगेंगे सो so, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अगर हमने सेल किया है पच्चीस सौ रुपये का अगर हमने सेल रिकॉर्ड की है पच्चीस सौ रुपये की इन द बुक्स ऑफ अगर हमने 2500 तो की सेल को एंटर किया है रुपीज टू तो ये कौन सा एरर है प्रिंसिपल पार्शल ओमिशन कमीशन या नबो तो ये हमारा कमीशन का एरर है तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट किस में आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट में ये लास्ट एक दो वीडियो में मैंने आपको बताया है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा <coughs> अगला हमारे पास क्वेश्चन है साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट किससे रिलेटेड है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेटेनिंग अकाउंट इनमें से कौन सा अकाउंट जो है वो साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेटेनिंग अकाउंट से रिलेटेड है सिंगल एंट्री डबल एंट्री कॉन्ट्रो एंट्री बुक एंट्री तो डबल एंट्री सिस्टम जो है वो साइंटिफिक सिस्टम है रिकॉर्ड्स को मैंटेन करने का तो बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट क्या है पर्सनल अकाउंट है रियल अकाउंट है नॉमिनल है या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ये है रियल अकाउंट तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कहीं पर ठीक है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आगे जाके वो आपको बेनिफिट देने वाला है और जो भी ऐसी चीज आगे जाके आपको बेनिफिट देगी वो हमारा एसेट होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो हमें देते हैं तो वो एसेट होते हैं सो रियल अकाउंट हमारे पास दी इज अ करेक्ट आंसर ट्रेडिंग अकाउंट क्या है ट्रेडिंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट है रियल अकाउंट है नॉमिनल या फिर नन ऑफ द तो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है ये आपने याद रखना है तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो आउटफ्लो ऑफ फंड होता है ऑन अकाउंट ऑफ ऑपरेशन वो क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड सोर्स ऑफ कैश एप्लीकेशन ऑफ कैश सोर्स ऑफ फंड तो करेक्ट आंसर इज एप्लीकेशन ऑफ फंड तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन एडजस्टेड adjusted... प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्रीसिएशन जो हम डेबिट होती है क्रेडिट होती है इग्नोर या तो हमारा डेबिट तो ए इज अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑन द बैंक स्टेटमेंट ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से लिया गया है ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपोजिटेड बाई द कंपनी हम क्या कहेंगे क्रेडिट हुआ डेबिट हुआ लाइबिलिटी या एक्सपेंस ये हो जाता है क्रेडिट तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा अगला हमारे पास क्वेश्चन है बैंक रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट कम्पेयर्स अ बैंक स्टेटमेंट विद बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जिसको कस्टमर बनाता है बिजनेस बनाता है वो कंपेयर करता है बैंक की स्टेटमेंट को यानी कि पासबुक को किसके साथ कैश पेमेंट जनरल के साथ कैश रिसिप्ट जनरल के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ या कैश बुक के साथ हमें पता है कि कैश बुक के साथ हम रिकनसाइल करते हैं सो so डी हमारा सही आंसर हो जाएगा अगला हमारे पास क्वेश्चन है अगर कैश बुक में बैंक चार्जेस फाइव को हमने रिकॉर्ड नहीं किया है तो हमने बताना है करेक्ट कैश बुक एडजस्टमेंट क्या होगा देखिए जी बैंक ने ये बैंक है और ये हमारा कैशबुक है और ये बैंक स्टेटमेंट है ठीक है यहां पर क्या हुआ कैश बुक ने आ, कैश बुक में हमने कैश बुक में जो बैंक के चार्जेस है पाँच हज़ार वो हमने रिकॉर्ड नहीं किए हैं लेकिन बैंक ने तो रिकॉर्ड किए होंगे ना बैंक ने हमारे जो पैसे हैं पाँच हज़ार वो रिड्यूस कर दिए हैं हमने नहीं किए हैं तो अब हमने जब इसको बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे इट विल बी क्रेडिटेड इन कैश अकाउंट कैश बुक इट विल बी डेबिटेड इन कैश बुक नो एडजस्टमेंट नीडेड इन द कैश बुक चार्जेस विल बी एडेड टू द कैश बुक बैलेंस इसका सही आंसर है इट विल बी क्रेडिटेड इन द कैश बुक हम इसमें भी क्रेडिट कर लेंगे सो so दैट हमारा ये जो है रिकनसाइल हो जाएगा सो so ए हमारा सही आंसर हो गया है अगला हमारे पास क्वेश्चन है वॉट हैपन वेन इंटरेस्ट ऑन टू अ पार्टनर क्या होता है जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग लगाते हो पार्टनर पे क्रेडिट uh, होता है पार्टनर का करंट अकाउंट या फिर ये करंट अकाउंट में नहीं दिखता है या फिर डेबिट होता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या फिर न लगता अब करेक्ट आंसर ये डेबिट ये डेबिट करते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इन टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर सेम ऑफ अडल्ट पार्टनर नन ऑफ द अब तो हमें ट्रू बताना है इसका जो सही आंसर है वो है बी माइनर को आप एडमिट कर सकते हो एज अ पार्टनर बट ओनली इन टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप बेनिफिट्स में ही बाकी किसी चीज में नहीं सो so, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है गाइज <coughs> वो है ओपनिंग इन्वेंट्री रुपीज थर्टी फाइव हंड्रेड क्लोजिंग इन्वेंट्री रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रुपीट बाईस हजार वट इज अमाउंट ऑफ परचेज परचेज निकालना है अमाउंट ऑफ परचेज अभी यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास 22000 हजार ओपनिंग इन्वेंट्री थर्टी फाइव हंड्रेड हमने निकालनी है माइनस क्लोजिंग फिफ्टीन हंड्रेड यहां से देखिए आप बाईस हजार इज इक्वल टू इसको इससे कर देंगे हम तो आ जाएगा दो दो हजार और प्लस परचेजेस अब जो परचेजेस हम निकालेंगे वो कितना आ जाएगा बीस हज़ार ठीक है इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे करेक्ट आंसर इज ए बीस हजार ठीक है परचेजेज हमारे पास बीस हज़ार आ गई अगला क्वेश्चन हमारे पास है इनमें से कौन सा जो रिलेशनशिप है इज इंडिकेटेड बाय लेफर कर्व ठीक है लेफर कर्व तो आप ये पढ़ेंगे अच्छे से और इसका जो आंसर है वो है द अबाव अ सर्टन टैक्स रेट एंड इंक्रीज इन टैक्स रेट कॉजेज रिडक्शन इन टैक्स रेवेन्यू ठीक है तो बी हमारे पास सही आंसर आ जाएगा अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है पार्टनरशिप से लिया गया है <coughs> एक्स एंड वाई पार्टनर है बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द दे एडमिट एज ए न्यू पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट आपने न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो करेक्ट आंसर क्या होगा आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ट्वेल्व इज टू एट इज टू फाइव सो ए हमारा सही आंसर आ जाएगा आज के अकाउंटिंग का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है सोशल अकाउंटिंग सिस्टम इन इंडिया इज क्लासीफाइड इन टू जो सोशल अकाउंटिंग सिस्टम है भारत का उसको किसमें क्लासीफाई किया गया है एंटरप्राइज Household and government assets, liabilities, and debit position, income, product, and expenditure, public sector, private sector, and joint sector. And the correct answer is income, product, and expenditure. Income, product, and expenditure. I.P.E. इनकम प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर तो यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं अकाउंटिंग और जीके सेक्शंस के 60 क्वेश्चंस आगे वाले क्वेश्चंस हम अभी देखते हैं आपने बताना है 30 में से आपका कितना स्कोर रहा है अकाउंटिंग में ओके okay. अब आपके सामने आएंगे गाइस साइंस के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है इनमें से कौन सा विटामिन फंक्शन करता है एज बोथ हार्मोन एंड अ विजुअल पिगमेंट ऑप्शंस है थियामाइन रेटिनल रिबोफ्लैविन एंड फॉलिक एसिड एंड द करेक्ट आंसर इज रेटिनल ए सॉरी बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ साइंस सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है इनमें से कौन सा uh, जो uh, विटामिन की कमी से मेगा लो ब्लास्टिक अनेमिया होता है ठीक है इनमें से कौन सा न्यूट्रिन डिफिशियंसी कॉज करता है मेगा लो ब्लास्टिक अनेमिया फॉलिक एसिड न्यासिन पायरिडॉक्सिन एंड कोबेलामिन एंड द करेक्ट आंसर इज फॉलिक एसिड सो ए हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वट इज द एसा यूनिट ऑफ एक्सलरेशन इसका जो सही आंसर है वो है मीटर पर सेकेंड so डी हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनमें से कौन सी एक्जोथर्मिक सॉरी एंडोथर्मिक प्रोसेस है इनमें से कौन सी एंडोथर्मिक प्रोसेस है जो आपका टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेश केमिस्ट्री में वहां से यह क्वेश्चन लिया गया है डायल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सब्लिमिशन ऑफ ड्राई आइस कंड of of water vapors and and respiration in human beings and the endothermic process is sublimation of dry ice so B जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी ये आपके पास दी गई है कुछ इनमें से कौन सी, like तो, सी प्रॉपर्टी यूज होती है सितार और वॉयलिन के बजाते टाइमस मेलीबिलिटी डक्टिलिटी एंड कंडक्टिविटी एंड द करेक्ट आंसर इज ए सो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आया हुआ है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है प्लांट हॉर्मोन इनमें से कौन सा है मेलाटोनिन गैस्ट्रीन साइटोकिनिन एंड कोली साइटोकिनिन एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज साइटोकिनिन सो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा सेवेंथ क्वेश्चन हमारे पास साइंस से है प्लांट्स ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नोन एज जो प्लांट्स डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो करते हैं उनको क्या कहते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज हेलियोफाइट्स ए हमारा सही आंसर हो जाएगा और जो ये बी है स्कायो ये जो शेड्स में ग्रो करते हैं उन्हें कहा जाता है शेडो या फिर शेड्स में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं ठीक है तो हमारा इसका सही आंसर हो गया ए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आपने बताना है वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग सैटेलाइट का नाम वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग सैटेलाइट का नाम एंड द करेक्ट आंसर इज बुकी सो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस द ऑर्गेनिजम्स वाइड एनवायरमेंटल फैक्टर टॉलरेंस लिमिट शो क्या शो करता है ये गाइज ये शो करता है वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन साइज सो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन साइज एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज साइंस सेक्शन इज अल्जाइमर एंड ऑस्टियोप्रोसिस आर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ जो डिजीज़ वाला आपका टॉपिक है वहाँ से लिया गया है ये कौन से एग्जाम्पल्स हैं कॉम्युनिकेबल डिजीज़ के डी जेनरेटिव डिजीज़ के नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज़ के नन ऑफ द करेक्ट आंसर है डी डिजीज़ सो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताना टेन में से आपका कितना स्कोर आया है ठीक है चलो अब आ गए हम देखते हैं हमारा इकोनॉमिक का सेक्शन इकनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ ये किसका स्टेटमेंट है इकनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ एडम स्मिथ लियोन रॉबिन्स एल्फ्रेड मार्शल सैमलसन तो ये जो है आंसर इसका वो है सी एल्फ्रेड मार्शल का ये है स्टेटमेंट uh, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है द इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ अ प्राइस एट विच इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा प्राइस होता है जब एवरीथिंग इज सोल्ड बायर्स स्पेंड देयर मनी क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड या फिर एक्सेस डिमांड इज ज़ीरो हमें पता है कि इसका जो आंसर है वो है जितना हमने डिमांड किया है उतनी ही सप्लाई हमें मिल रही है तो प्राइस इक्विलिब्रियम हम उसको कहेंगे सो so, सी हमारा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, चीफ मार्शल स्टिगलर एंड द करेक्ट आंसर इज एल्फ्रेड मार्शल तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा कार्डिनल यूटिलिटी जिनको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी जिनको हम रैंकिंग में मेजर्स कर सकते हैं तो चौथा हमारे पास क्वेश्चन है एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी दो गुड्स की कैसी होगी मिनिमम मैक्सिमम इक्वल या इंक्रीजिंग एंड द करेक्ट आंसर इज इक्वल तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच गिव सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन इज एसोसिएटेड विद वो पॉइंट वो लोकस ऑफ द पॉइंट जहां पर आपको सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन मिलेगा वो इंडिफरेंस कर्व है वो कार्डिनल एनालिसिस लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई एंड द करेक्ट आंसर इज इन डिफरेंस कर्व इन डिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं एंड दे नेवर इंटरसेक्ट एंड दे नेवर टच द एक्स एक्सेस और द वाई एक्सेज एंड ये ऑर्डिनल यूटिलिटी भी इसको हम कहते हैं ठीक है तो हमारे पास ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्लेन बाई जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसको इनमें से कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई रिटर्न टू स्केल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज रिटर्न टू स्केल लॉ ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन रिटर्न टू स्केल लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल सो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अगर एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा अगर एवरेज प्रोजेक्ट प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन द एवरेज प्रोजेक्ट मस्ट बी लेस देन द एवरेज प्रोडक्ट एंड मस्ट बी इंक्रीजिंग बोथ ए एन सी एंड द करेक्ट आंसर इज मस्ट बी लेस देन द एवरेज प्रोडक्ट तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मनी कॉस्ट को हम और क्या कहते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट सोशल कॉस्ट रियल कॉस्ट और इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनमें से कौन सी मार्केट फॉर्म में कंपटीशन जो है वो एबसेंट रहता है एबसेंस ऑफ कंपटीशन प्रिवेल परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली ड्योपोली या ओलिगोपॉली एंड द करेक्ट आंसर इज मोनोपोली में बिल्कुल कॉम्पिटिशन नहीं होता है बिकॉज यहाँ पे सिंगल कॉम्पिटेटर uh, एक ही बंदा जो है वो मार्केट uh, में रहता है सो so, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा लास्ट हमारा आज का इकोनॉमी का क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम पॉपुलरली थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइजिंग कहते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग कहते हैं थ्योरी ऑफ वेजिज या फिर थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट ये दोनों तो होंगे नहीं बिल्कुल भी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग कहते हैं तो बी हमारा सही आंसर हो गया थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग बी बताना 10 में से आपका क्या स्कोर रहा है इकोनॉमिक के सेक्शन में चलिए अब हमारा आ जाता है इंग्लिश वाला सेक्शन सबसे पहले हम सिनोनिम देखेंगे स्टैट्यूट स्टैट्यूट का सिनोनिम क्या है रिमार्क ऑप्रेसर लॉ या फिर डिबौट तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी आपने पड़ा होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेच्यू सो अकॉर्डिंग टू द लॉ सी इसका सही आंसर है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ब्यूटी ब्यूटी का आपने एंटोनियम बताना है यानी कि अपोजिट बताना है uh, अग्लीनेस क्यूरिटी लॉन्ग या स्क्यूमिश एंड द करेक्ट आंसर इज हमें पता है अग्लीनेस सो so, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आइडम एंड फ्रेज से कीप अंडर वंस हैट कीप अंडर वनज हैट का मतलब क्या होता है टू कीप समथिंग अ सीक्रेट टेक केयर ऑफ समबडीज एल्स वैल्यूएबल्स गिवन टू यू फॉर सेफ कीपिंग कीप ऑल योर वेल्थ इन योर होम स्टील इन हाइड समथिंग एंड द करेक्ट आंसर इज टू कीप समथिंग अ सीक्रेट कीप अंडर वनस हैट सो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पिक टू पीसे पिक टू पीसे का क्या मतलब होता है कंप्लीट अ वर्क एंटायरली एनालाइज क्रिटिकली सिलेक्ट ओनली व्हाट यू नीड स्टडी समथिंग सुपरफिशियली एंड द करेक्ट आंसर इज एनालाइज क्रिटिकली पिक टू पीसेस ठीक है तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा एनालाइज क्रिटिकली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ही सेड ही सेड दे विल बी यूजिंग माई कार फॉर द ट्रिप वो मेरी कार को यूज करेंगे फॉर द ट्रिप हमने इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करना है हमने इसको Uh, तो इसका जो तो सही आंसर होगा वो होगा ही सेट दैट दे वुड बी यूजिंग हिज कार फॉर द ट्रिप सो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यू डोंट नीड टू वाइंड दिस वॉच सो इसका हमने चेंज करना है दिस वॉच नीड नॉट टू बी वाउंड दिस वॉच डज नॉट विंड दिस वॉच नीड नॉट बी वाउंडेड दिस वॉच नीड नॉट बी वाइंडेड अप एंड द करेक्ट आंसर इज दिस वॉच नीड नॉट बी वाउंड सो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा

द क्लास वॉज कंप्राइज ऑफ अ हंड्रेड स्टूडेंट एरर्ड होना है हमने द टीचर वॉज टेंस वेन ही एंटर्ड द क्लास विच कंप्राइज ऑफ नो एर एंड द करेक्ट आंसर इज द क्रास विच कंप्राइज ऑफ सो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा एरर स्पॉटिंग से क्वेश्चन था नेक्स्ट है हमारे पास द्यूमरस uh, ड्रॉइंग डीलिंग विथ करंट इवेंट्स एंड पॉलिटिक्स उसको हम क्या बोलेंगे स्केच इलस्ट्रेशन कार्टून या स्कीट उसको हम कार्टून बोलते हैं जो न्यूज पेपर में भी कार्टून आते हैं तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा इंग्लिश के सेक्शन का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आर्टिकल से लेट अस प्ले चेस नो आर्टिकल ए एंड द इसका करेक्ट आंसर है नो आर्टिकल लेट अस प्ले चेस तो हमारे पास इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा सो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा ये थे हमारे इंग्लिश के टेन क्वेश्चन आपका स्कोर टेन में से कितना रहा है कमेंट बॉक्स में बताना अब हम चलते हैं हमारे स्टार्ट की तरफ और सॉरी कंप्यूटर पहले देख लेते हैं हम लोग द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इन टू बेसिक गोल क्या होता है कंप्यूटर के प्रोसेस का कि हमने डेटा को किसमें कन्वर्ट करना है इन्फॉर्मेशन में टेबल्स में फाइल्स में ग्राफ्स में नन ऑफ द अबो सो आई होप इसका आंसर आप दे पाएंगे दैट इज इंफॉर्मेशन तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास है कंप्यूटर एक्सेल एट ठीक है परफॉर्मिंग द सेम एक्शन ओवर एंड ओवर द सेम वे कीपिंग ट्रैक ऑफ लार्ज नंबर ऑफ समॉल डिटेल्स प्रोवाइडिंग क्रिएटिव सोल्यूशन टू प्रॉब्लम वर्किंग इन फ्रैक्शन इन सेकंड एंड ऑल ऑफ दीज सो कंप्यूटर जो है इन सभी में बहुत माहिर होता है तो ई हमारा सही आंसर हो जाएगा ठीक है जी चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है वैन यू सेव द फॉलो वैन यू सेव द फॉलोविंग डेटा वुड रिमेन तो इन टैक्ट इवन आफ्टर टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर तो इनमें से कौन सा वो है जिसमें आप डेटा जो है वो सेव रहता है अगर आप कंप्यूटर जो है ऑफ कर देते हो रैम मदरबोर्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड नन ऑफ द अबो एंड द करेक्ट आंसर इज सेकेंडरी एंड स्टोरेज डिवाइस सो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास है द मैचिंग फॉर फॉलोइंग पेयर आपके पास ये दिया हुआ है आपने इनको मैच करना है और इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए ठीक है डिस्क स्केड्यूलिंग यानी कि स्कैन बैच प्रोसेसिंग यानी कि फीफो टाइम शेयरिंग राउंड रिबन एंड इंटरप्ट प्रोसेसिंग यानी कि लिफो तो हमारे पास ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डैश डैश इज अ टेक्निक दैट इज टेक्निकूज टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर अ सिंगल लाइन उसको हम क्या कहेंगे डिजिटल ट्रांसमिशन इंफ्रारेड ट्रांसमिशन डिजिटाइजिंग स्ट्रीमिंग मल्टीप्लेक्सिंग ऐसी टेक्निक जिसमें हम एक से ज्यादा कॉल कर सकते हैं वाला सिंगल लाइन उसको हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं तो ई हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइल एक्सटेंशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन फाइल नेम

इंटरफेस है विंडो एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आगे ग्राफिक ग्राफिक्स यूजफुल इंटरफेस एग्जीक्यूटिंग सिस्टम है आगे ग्राफिक यूजर इंटरवल एंड एक्सपर्ट सिस्टम है नन ऑफ द अबव एंड द करेक्ट आंसर ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जी यू आई जिसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है एंड ये 95 98 विंडो ये सब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है

किसको छोड़कर क्रूड बर्थ रेट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इनफैंट मॉर्टेलिटी रेट नेट प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन रेट एंड द करेक्ट आंसर इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट सो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा अगला हमारे पास क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन मे बी ओबेन्ड बाई कौन से टेक्निक से पार्टिसिपेटिव टेक्निक में हम इंफॉर्मेशन ऑबटेन करते हैं फेस टू फेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स ऑफ मास मीडिया ऑल ऑफ द अबो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबो पार्टिसिपेशन टेक्निक में इन सभी से हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं सो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा अगला है इंटरव्यू में क्या आता है फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन आती है स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज बोथ ए एंड बी या फिर ओनली ए बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर इंटरव्यू में दोनों आता है तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा अगला हमारे पास क्वेश्चन है वट आर द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ क्वेश्चनरी क्वेश्चनरी

ट्स डिमॉर्गन पॉस्टुलेट मैचिंग प्रोसेस साइकिल वेन डायग्राम एंड द करेक्ट आंसर इज मैचिंग प्रोसेस साइकिल तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जनरल टेबल्स ऑफ डेटा यूज टू शो डेटा इन एन ऑर्डरली manner इसको हम क्या बोलते हैं डबल कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल मैनीफोल्ड टेबल रेप्रोजरी टेबल सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल एंड द करेक्ट आंसर इज रिपोजिट्री टेबल सो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा अगला हमारे पास क्वेश्चन है हमने मीन ढूंढना है इसमें से आपके पास क्लास सेंटर पर फ्रीकवेंसी दिया गया है आपने मीन निकालना है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्टी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे सो बी हमारा सही आंसर आ जाएगा वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कीजिएगा वट आर द वेरिएबल हुज कैलकुलेशन इज डन अकॉर्डिंग टू वेट हाइट लेंथ नोन एज फ्लो चार्ट वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल कॉन्टिन्यूस वेरिएबल मेजरिंग वेरिएबल एंड द करेक्ट आंसर इज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल सो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन हमारे स्टार्ट से है विच ऑफ दिज लिस्टेड बिलो हैज दाइस्ट वेटेज इन द होल सेल प्राइस इंडेक्स मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट प्राइमरी गुड फ्यूल एंड पावर ऑल ऑफ द अबोव एंड द करेक्ट आंसर इज मैनुफेक्चर प्रोडक्ट है होल सेल प्राइस इंडेक्स तो ये हमारा सही आंसर है आउट ऑफ टेन कितना स्कोर रहा आपका जरूर कमेंट बॉक्स में बताना आज का लास्ट जो हमारा सेक्शन है वो मैथ का है वॉट विल बी द सम अगर सिंपल इंटरेस्ट रुपीज एक्स पर एक्स परसेंट है फॉर एक्स इयर्स तो क्या सम आएगा आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं एंड द करेक्ट आंसर इज हंड्रेड बाई एक्स ठीक है है तो A हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उनको हम क्या बोलेंगे इक्वेशन या दीज इसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं so C हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है को एफिशियंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ टू प्लस थ्री एक्स फोर इज इसका क्या होगा को एफिशियंट फाइव फैक्टोरियल सिक्स टू वन सिक्स एट फैक्टोरियल एंड द करेक्ट आंसर इज टू वन सिक्स सो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द डेरीवेटिव ऑफ आपके पास ये वैल्यू दी गई है इसका आपने डेरीवेटिव निकालना है इसका जब आप डेरीवेटिव निकालेंगे वो आ जाएगा माइनस टू एक्स माइनस वन माइनस टू बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर सो हमारे पास डी सही आंसर हो जाएगा अगला हमारे पास क्वेश्चन है सेट थ्योरी से इफ ए इज इगल टू ये आपके पास दिया गया है बी इज इगल टू ये आपने फाइंड करना है ए प्रॉपर सेट सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ठीक है तो ए इंटरसेक्शन बी वो क्या होता है एक्स इज टू एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू y ठीक है जब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो अब आप देखिए इनमें से कॉमन क्या है टू फोर सेवन और नाइन यहाँ पे देखो आप कॉमन क्या है टू फोर सेवन नाइन टू फोर सेवन नाइन सिक्स जो है वो आपको इसमें नहीं मिल रहा है ना तो दो जो दोनों में आपको मिलेगा वही आ जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितना आ गया फोर आ गया फोर के बराबर आ गया ठीक है अब हमारे पास फॉर्मूला होता है टू एम माइनस वन तो टू वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास फोर तो टू फोर माइनस वन ये आपके पास आ जाएगा फिफ्टीन सो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा बी इज अ करेक्ट आंसर अगला हमारे पास क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वी वैलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए वन टू थ्री आर वन टू थ्री या फिर फाइव एंड द करेक्ट आंसर इज फाइव तो डी uh, हमारा सही आंसर हो जाएगा फाइव अगला हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द माइनर ऑफ सिक्स एंड को फैक्टर ऑफ फोर रेस्पेक्टिवली ये डिटर्मिनेंट आपके पास दिया गया है सबसे पहले आपने माइनर निकालना है इनमें से माइनर क्या है देन आपने को फैक्टर भी निकालना है तो को फैक्टर निकालेंगे और इसका जो आंसर आएगा <coughs> द करेक्ट आंसर इज डी Minus six एंड six. Minus six, इसका माइनर निकलेगा एंड इसका cofactor six निकलेगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा Eighth क्वेश्चन हमारे पास है द probability ऑफ गेट्स well spade कार्ड फ्रॉम अ वेल shuffled डेक ऑफ fifty two cards इज क्या प्रोबेबिलिटी card की अगर आप two cards में से निकालेंगे तो so, इसका आंसर क्या आ जाएगा guys? Uh, इसका आंसर आ जाएगा वन बाई फोर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे सो so बी हमारा सही आंसर आ जाएगा ठीक uh, है चलो अब आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी टू थ्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज टू थ्री वन एंड फाइव तो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो थ्री है तो यहाँ पर बी जो है सही आंसर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट का और आज के मैथ के सेक्शन का हमारे पास यूनिट वेक्टर पर पेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आपके पास ये सब दिया गया है आपने बताना है सही आंसर तो सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया है बहुत बहुत धन्यवाद जिन भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल हिट द बेल आइकन सो दैट आपका एग्जाम बहुत पास है जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ जब भी कोई मॉक टेस्ट आए तो आपको वो सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखें ठीक है और मॉक uh, टेस्ट का लेवल मैंने इंक्रीज किया है डेफिनेटली जैसे आपके सजेशंस थे हर एक कंपोनेंट का लेवल मैंने इंक्रीज किया है बट एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आते हैं और टफ क्वेश्चन भी आते हैं इंटरमीडिएट रहता है सब कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे तो उस हिसाब से ही मॉक टेस्ट बनाया जा रहा है uh, आपका बहुत थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल